आदि गुरु जन आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही टेस्टी चटपटी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मेथी का बहुत ही हेल्दी नाश्ता, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट लगता ही है और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, साथ ही साथ हेल्दी भी है, क्योंकि आज हमने इसे बहुत कम वक्त में बना के तैयार किया। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं मेथी का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मुठिया। मेथी मुठिया बनाने के लिए मैंने लिया ये 100 ग्राम मेथी, जिसे एकदम फाइन चॉप करके दो बार अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल देना है। मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, उसे मैं डाल रही हूँ एक कटोरी गेहूं का आटा, ये रेगुलर वाला गेहूं का आटा है, और अगर आपके पास हल्का मोटा वाला गेहूं का आटा हो, दरदरा वाला, तो वो भी चलेगा मुठिया बनाने के लिए। एक कटोरी गेहूं के आटे के साथ में मैं ले रही हूँ आधा कटोरी बेसन, 3 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ रवा, 3 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, 1/2 चम्मच मैंने लिया अजवाइन, हाथों से क्रश करके डालेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इससे मुठिया हमारी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर इस तरीके से हम अजवाइन डाल के मुठिया बनाते हैं तो। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक, आप चाहें तो अदरक और मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, 2 मैंने लिए हरी मिर्च एकदम फाइन चॉप किए हुए, और हम मुठिया बना रहे हैं तो मुठिया में थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई शक्कर, आप चाहें तो खड़ी शक्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का एक बार हम अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे, सभी मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 नींबू का रस लिया है मैंने, आप इसकी जगह पे चाहें तो दही का यूज भी कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है जब आप खट्टा मीठा शक्कर और नींबू का रस डालते हैं तो मुठिया में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो मैंने मेथी ली है, अच्छे से मिक्स करेंगे आटे के साथ में, और इसे हमें मिक्स करते हुए एक डो की तरह तैयार करना है, तो इसमें हम पानी का यूज अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मेथी में जो भी पानी है उससे ही हम इसे बाइंड करेंगे। मेथी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, जिसे कि मोमन भी कहते हैं, 3 चम्मच को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और यह भी मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी का यूज़ करें। और मुठिया बनाने के लिए आपको इसे आटे की तरह बहुत देर तक मसल मसल के नहीं तैयार करना है, सिर्फ हम इसे एक साथ इकट्ठा करके बाइंड करना है आपको इसे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसे एक डो की तरह तैयार कर लिया है, और इसे हमने बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, सिर्फ हमें इसे मिक्स करते हुए ही बाइंड करना है। आज मैं मुठिया को इस स्टीमर प्लेट में स्टीम करने वाली हूँ, तो इसमें हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे, आप इसकी जगह पे चाहें तो कोई प्लेट या पोहा छानने वाली छन्नी का यूज़ भी करते हैं। स्टीमर प्लेट को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, स्टीमर को भी एक बार चेक कर लेंगे। स्टीमर में मैं डाल दूंगी 2 कप पानी, और पानी को हम ढक के स्टीम होने देंगे, और पानी जब तक हमारा स्टीम हो रहा है तब तक हम मुठिया बना के तैयार कर लेंगे। मुठिया बनाने के लिए हाथों में मैं लगा लूंगी ऑयल, और इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, मुठिया जिस साइज की बनानी हो आपको उस हिसाब से आप इसमें से डो लें। ये देखिए इस तरीके से हम मुठिया बनाएंगे, वापस से थोड़ा सा डो लेंगे, सारी मुठिया को एक साथ बना लेंगे, उसके बाद ही स्टीम करेंगे हम अच्छे से हाथों से, इस तरीके से राउंड देते हुए हमें शेप देना है, क्योंकि हम बाद में इसके छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम अपनी सारी मुठिया को बना के पहले तैयार कर लेंगे। सभी मुठिया को मैंने बना लिया है और इसे स्टीमर प्लेट में रख दिया है, तो हम एक बार स्टीमर को भी चेक कर लेते हैं। पानी भी हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है, तो हम इसमें रख देंगे ये मुठिया वाली प्लेट।
20 मिनट के लिए मुठिया को हम कवर करके स्टीम होने देंगे, उसके बाद ही मुठिया को चेक करेंगे। 20 मिनट हो गया है तो मुठिया को भी एक बार हम चेक कर लेंगे। ये मैंने ली है टूथपिक, टूथपिक की हेल्प से मुठिया को हम एक बार चेक कर लेंगे। और ये देखिए टूथपिक हमारी नीट एंड क्लीन आ रही है, सभी मुठिया हमारी अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अब हम इसे निकाल के ठंडा करेंगे, पहले उसके बाद ही कट करेंगे। मुठिया को हम ऐसे ही ठंडा होने देंगे, रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही हम इसके पीसेस कट करेंगे। अगर आपने गर्म में कट किया तो ये टूट सकती है। मुठिया हमारी ठंडी हो चुकी है, एकदम रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, तब हम इसके पीसेस कट करेंगे। ये मैंने ली है एक बड़े साइज की प्लेट, उस पर एक रखी है मुठिया और उसके हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। पीसेस आप अपनी पसंद के जितने बड़े कट करने हो आपको उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट करके रखे हैं। ऐसा ही हम अपनी सारी मुठिया को कट कर लेंगे। पहले सभी मुठिया को हमने कट करके रख लिया है और ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो मुठिया को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम मुठिया को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं इसमें लगा दूंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैं डाल दूंगी कढ़ाई में एक बड़े चम्मच ऑयल, एक चम्मच राई डालेंगे, आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट वाले तेल, आधे चम्मच सौंफ डाल देंगे। अच्छे से चटकने देंगे सभी चीज़ों को, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस तरीके से तड़का लगा के मुठिया को सर्व करते हैं तो। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये मैंने लिए दो हरी मिर्च जिन्हें रफली चॉप किया, आप इसकी जगह पे चाहें तो लाल सूखी मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए मिर्च को भी तड़के के साथ में भुनने देंगे। तड़का हमारा एकदम तैयार है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये जो हमने मुठिया कट करके रखी है। मुठिया को अच्छे से तड़के के साथ में मिक्स कर देंगे, एक से दो मिनट तक ऐसे ही अच्छे से तड़के में मिक्स होने देंगे। इसे चलाएंगे एक मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ देंगे और ये गर्म गर्म मुठिया हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। तो मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मुठिया हमारी एकदम तैयार है तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपनी मुठिया को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मेथी मुठिया हमारे सर्व करने के लिए एकदम तैयार है, बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी मुठिया है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है, साथ ही साथ बहुत कम ऑयल में बना के तैयार किया, खाने में तो स्वादिष्ट लगती है। आप इसे चाहें तो बच्चों के टिफिन में, घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं या जब भी आपको कुछ हेल्दी कम ऑयली नाश्ता करने का मन करे उस टाइम पे आप बनाएं मेथी मुठिया। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।